भाई कल मुझे दवाई दे दो, मेरा बच्चों को मारे। अच्छा आप सामने बैठे, मेडिसिन लेके आता हूँ। अब्बा अब्बा मुझे ना ये साइकिल लेनी है। देख ना मत करी, मेरी सालगिरह है, तूने वादा किया था कि मुझे ये साइकिल लेके देगा। अब्बा अब्बा मेरे ना सारे दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी ले देना। अच्छा पुत्र चल देखने। अब्बा 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 ये काली वाली बाइक लेनी है। वो लेनी है भाईजान। यार वो डी साइकिल कितने की है, गेरों वाली? ये 8,000 की भाई। 8,000 थोड़ी घट कर ले। बदल 7,500 देती है। महंगी थोड़ी और घट कर ले। बस उससे 7,500। यार दूसरी साइकिल पे सुनो। नहीं अब पार सुनते सही। पार भाईजान, ओ भाईजान ये मेडिसिन ले ले अपनी। शुक्रिया भाई शुक्रिया। अच्छा है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ओके ये बेटा है आपका? हाँ जी प्रा जी। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या हुआ है इसे? पता नहीं जी, कल बुखार हुआ, दवाई ला के दी है, ठीक हो फिर बुखार हो गया, होश नहीं कर रहा। अभी कल आके कहता है अब्बा देख पूरी क्लास में फर्स्ट टाइम, और आज हेलो यार अब्दुल्ला एक बहुत जबरदस्त केस मिला। जबरदस्त? कहाँ पे आना है यार? तू कैमरा लेके हॉस्पिटल पहुंच, मैं स्टूडियो आ रहा हूँ। चल ठीक है मैं निकल रहा हूँ। आपको बेड क्यों नहीं मिला? डॉक्टर कहते हैं बेड खाली नहीं है। डॉक्टर ने चेक किया आपके बेटे को? किया है, कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन की दवाई नहीं होती। बात सुन मेरी, अच्छा केस है, अभी जाके टीवी पे चलवाते हैं। उनकी कहेंगे कि डॉक्टर की गफलत थी, ना चेक किया और ना दवाई दी, और बिठाया भी बाहर और बेड में जगह भी नहीं दी। बेटा प्रमोशन पक्की है इस दफा तो। अब्बा अब्बा तेरे पुत्र ने आज कमाल ही कर दिया, तेरे पुत्र ने पूरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है, मास्टर ने पूरे 100 रुपए दिए हैं मुझे। ओ मेरा शेर पुत्र जीता रहे जवानियां मार, मुझे तो कल ही पता था मेरा पुत्र बड़ा लैग है, देखना एक दिन इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर? ओ अब्बा इंजीनियर नहीं, इंजीनियर होता है इंजीनियर। ओ आहो वही इंजीनियर इंजीनियर। और रहने दे अब्बा, तुझसे नहीं होना। भाईजान आपको डॉक्टर साहब बुला रही हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए पहले तो मैं माजरत खाऊं कि बेड ना होने की वजह से आपके बेटे को फर्श पर लेटना पड़ा। ओ कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पहले उसे दवाई दे दें, वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसका मस्टर्ड पहले ही कहता है वो बड़ी छुट्टी हो गई। जी दवाई दे दी है, अब बस अल्लाह आराम दे। बच्चे को कॉन्गो वायरस का हमला हुआ है जो काफी शदीद हालत है, और किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता। अब आप बस दुआ करें। और ये कौन सी बीमारी है जो दवाई से ठीक नहीं होती? आप डरते किस लिए हैं? चले मेरे पुत्र ना राजी हो, भाई ठंड में फर्श पे लेटा हुआ है। बचने की कोशिश करें, वायरल इन्फेक्शन की दवाई किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होती। अल्लाह खैर करे, पहले ही आप अपने बच्चे को बहुत देर से लाए। शबाना जी डॉक्टर साहब, एक कप चाय ला दो, और हाँ किसी को अंदर मत आने देना, मैं ब्रेक में थोड़ा आराम कर लूँ, सर में शदीद दर्द है। बस बहुत पढ़ लिया, अभी और नहीं पड़ेगी, इसकी इसी साथ शादी होगी।
लेकिन अब्बा मैं पढ़ना चाहती हूँ, यही मेरा ख्वाब है। कम से कम मुझे MBBS तो मुकम्मल करने दें, सिर्फ 2 साल रह गए हैं। बस मैंने कह दिया तुम्हारी शादी इसी साल होगी, बाकी तुम्हारे मियाँ की मर्जी है, वो तुम्हें पढ़ाना चाहे पढ़ाए, मैं लोगों की और बातें नहीं सुन सकता। अम्मी अम्मी अब्बू को आप ही समझाएं ना। बेटी तुम ही मान जाओ, हमें अपना फर्ज अदा करने दो। रिश्तेदार हमें ताने देने लगी है, आखिर कितनी देर तक रहेगी? 3 साल हो चुके हैं इस मंगनी को। आलिया अब तो परेशान क्यों लगे? फिलहाल इससे पहले कि हम अपना रिश्ता आगे लेके जाए, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? देखिए बिलाल, मैं आपसे सिर्फ इस शर्त पे शादी कर सकती हूँ कि अगर आप मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करने दें और मुझे मेरे प्रोफेशन से कभी अलग ना करें। आलिया तुम परेशान मत हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस मामले में कभी नहीं रोकूंगा। आखिर कब तक चलेगा तुम्हारा नौकरी का ड्रामा? इस बारे में आप कितनी दफा बहस होगी? मैं आपको कितनी दफा बताऊं कि लोगों की खिदमत करना मेरा फर्ज है और मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें अपने माँ बाप की खिदमत के लिए लाया था, लोगों की खिदमत के लिए नहीं, उनका ध्यान कौन रखेगा? तुमने तो इनकी जिम्मेदारी और बढ़ा दी। इस उम्र में उन्हें अपने साथ साथ कसी का भी ख्याल रखना पड़ता है, तुम्हें तो अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं है। बिलाल मेरी बात तो सुने। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आज फैसला होकर रहेगा, या तुम्हारा वो प्रोफेशन रहेगा या ये घर। बिलाल प्लीज ऐसा मत करें। आलिया तुम्हें सब छोड़ रही हो कि नहीं? प्लीज इस बात को समझे, इस मुकाम तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत ऐसे मत छीने। तो ठीक है फिर, ऐसा हो गया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बिलाल बिलाल नहीं, बिलाल काम और चल रहा है, तुम्हें तलाक देता हूँ। बिलाल बिलाल तलाक देता हूँ। बिलाल बिलाल CBC न्यूज फिर से बाजी ले गया। हमारी खुसूसी कवरेज की बदौलत डॉक्टर्स की गफलत और एक बेगुनाह की मौत का वजीर आला ने आज खुद नोटिस लेते हुए इस वाक्य की जिम्मेदार डॉक्टर आलिया को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। एक दफा फिर बताते चले कि CBC न्यूज की खुसूसी कवरेज की बदौलत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। क्या वाकई डॉक्टर आलिया उस बच्चे की कातिल थी जिसने अपने ख्वाब के लिए अपना घर, शौहर, हत्ता के अपना 1 साल का बच्चा तक छोड़ दिया? क्या वाकई बेड फराहम करना डॉक्टर की जिम्मेदारी है? आखिर कब तक हम आवाम ऐसे झांसों में आते रहेंगे? जिम्मेदार कौन, जरा सोचिए।